हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन और आज हम लगाने वाले हैं अड्डा 247C SBI क्लर्क के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। ठीक है, सेकंड मैंने लगा लिया है एंड इसमें स्कोर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। तो चलो कोई बाद में दिखा दूँगा, अभी फिर से बैक करना पड़ेगा। ओके, तो अलग विंडो में खुला है, ठीक है। ये भी सो इसमें पता नहीं 70 कुछ था मेरा स्कोर, इसमें 75.5 स्कोर था इसमें मेरा। ठीक है, एंड अभी जो हमें करना है वो है ये वाला मॉक नंबर 3। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से प्रीवियस ईयर जो कि 12 नवंबर को हुआ था, मॉक नंबर 3 हम दे रहे हैं, यानी कि डे जो डे थी इसकी, फर्स्ट ही डे था शायद से, फर्स्ट डे का थर्ड शिफ्ट है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग हमारी, तो रीजनिंग में जो है 8729354 61 इज एडेड टू द इवन डिजिट, तो इसमें ऐड करेंगे 3 हो गया और ये यहाँ से 572 इज सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ से जब 5 आएगा 5713। हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो ये नहीं है, 5 एक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 है जो कि रिपीट कर रही है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट हो गया टुवार्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस चला फ्रॉम पॉइंट पी एंड टर्न टू द राइट, 8 मीटर लेके राइट मुड़ गया। ठीक है, देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 14, आफ्टर टेकिंग द लेफ्ट एंड वॉक, आफ्टर दैट ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 13 मीटर्स, फाइनली टेक टू द लेफ्ट एंड 12, इधर 12 है, रीच टू द पॉइंट क्यू, वट इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस पी एंड क्यू, तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से 2 आया तो ये कितना हो गया, 12, तो ये हो गया। तो यहाँ से 8 है, 5 ये बच गया, 144 और 25 तो 169, यानी कि 13 तो होगा ही। तो शॉर्टर डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पी, पी की डायरेक्शन हमें बतानी है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगी। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। सी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ हु इज फेसिंग द सेंटर, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द राइट ऑफ 1 2 3, और बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, 1 2 3 हो गया, बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई है, और ए सीट टू द, ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए हो गया सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, और यहाँ पर हमें इसको लिख लेते हैं, बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई है, एक दो, एक तो आई इसको छोड़ देते हैं अभी, जी और डी आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, तो जी और डी हमारा इधर ही आएगा, आई हमें इधर ही लेना पड़ेगा, तो बी आई के लेफ्ट में है 1 2 3, जी ओ डी इमीडिएट लेफ्ट हैं, तो ये इधर ही बनाने पड़ेंगे, और क्या है, ओनली 2 पर्सन ए और ई, ए और ई में हो गए 2, बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी, बी एंड डी सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू आई, तो बी अंदर देखेगा, डी भी अंदर, ये अपोजिट टू आई बोला है, बी तो बी इधर हो जाएगा, और यहाँ पर डी इधर आ गया, जी और क्या है, जी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ऐसे ही बनेगा, जी सेकेंड टू द लेफ्ट इसमें हो ही नहीं सकता, जी और ई फेसिंग सेम डायरेक्शन, जी और ई फेसिंग सेम बट अपोजिट टू सी, एकदम सही है,
उसे इट अपोजिट टू द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3 ए आ जाएगा इधर, ऑन द फॉलोइंग फेसेस एफ, एफ से आई आएगा, अमंग द फॉलोइंग पर्सन से बिटवीन सी एंड एफ एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ, सी और एफ से बताना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 4 इफ आई इज रिलेटेड टू एफ, ठीक है, सी इज रिलेटेड टू जी, देन सेम मैनर डी इज रिलेटेड टू ई आ जाएगा, ऑन द फॉलोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई सी, फिर क्या है, 7 पर्सन आर सिट अराउंड है, फैमिली हो गया, और देर आर 2 मैरिड कपल्स, डी हैज़ 2 सन, डी के पास है 2 सन, और एस इज़ द फादर इन लॉ ऑफ बी, बी हु इज़ द सिस्टर इन लॉ, बी जो कि सिस्टर इन लॉ है ए की, और सी इज़ द सिस्टर ऑफ टी, पी इज़ द स्पाउस ऑफ एस, पी हो गया इधर, 2 इनके वो हैं तो दोनों के दोनों यही हो जाएंगे, और क्या बचता है हमारे पास, एस इज़ द फादर इन लॉ ऑफ बी, डी आ जाएगा फिर इधर, 1 2 3 4 5 6 7 दो इसके सन हैं, लेकिन इधर क्या बोला था इसने, बी हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, और बनाएं कैसे अब इसको हम, सी इज़ द सिस्टर ऑफ टी, डी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस बोला है ना, कोई भी हो सकते हैं, तो इधर ही आएगा डी, एक तो सी आ गया, एक टी, पता नहीं कि कोई जो भी है ये टी, फीमेल्स हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू टी इज़ मदर, टी की मदर जो है बी है, और डी इसके जो है हस्बैंड है, इफ एल इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, एल इज़ द हस्बैंड ऑफ टी, देन हाउ टी इज़ रिलेटेड टू ए, टी भाई इसकी डॉटर हो गई फिर, सॉरी डॉटर ही नाइस, एन 8 पर्सन है जो कि सिट इन ए रो, ऑल ऑफ आर फेसिंग टू द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 3 ये आ गया, और 1 पर्सन जी और एफ, फिर बी सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, 3 3 6 और 1 7 हो गए इधर, तो द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच सेम एज द ई और एच, ओके बी और एच, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो बी और एच में जितने हैं उतने ही एच और ई में भी हैं, 3 और 3 ये हो गया, 4 पर्सन ए और डी, सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी देखना पड़ेगा इधर, सी हम अगर लेते हैं, सी इधर ले लेते हैं, ए इधर, सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 4 पर्सन ये बन गया हमारा, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3 हम द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3 थर्ड टू द राइट और इमीडिएट लेफ्ट एच, एच हो गया, एफ डी और बी, डी गलत आएगा इधर, हाउ मेनी पर्सन सिट ई और एफ, 1 2 3 4 इफ द पोजिशन ऑफ सी और जी आर इंटरचेंज द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी आ जाएगा इधर, डब्ल्यू ग्रेटर देन पी सही है, सी ग्रेटर देन यू गलत है, तो ओनली वन आएगा, आई ग्रेटर देन एल गलत, आई इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन एम, तो ये भी गलत ही है, तो नाइदर नोर, आई ग्रेटर देन एल, हाँ
दूसरा है जेड ग्रेटर देन बी, जेड ग्रेटर देन बी गलत, टी ग्रेटर देन डब्लू, टी जो है ग्रेटर देन डब्लू, ये भी गलत हो गया, नाइदर नोर। हाउ मैनी वोवल्स आर प्रेजेंट विच इज आइदर इमिडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय द परफेक्ट स्क्वायर। तो वोवल को पकड़ लेते हैं हम, वोवल ये रहा नहीं है, आई ये हो गया एक, ये भी नहीं बना, वो सिर्फ एक ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, वन तो कहीं पर है नहीं, ठीक है। विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट विच इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड आ गया, एंड ही आएगा ना, 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 एंड आ गया। और एट जो कि है राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया हमारा परसेंटेज। तो 1 2 3 3 अगर ये, चलो 4 ले लेते हैं, 4 1 2 3 4 2 आएगा इसका। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर प्रेजेंट, सो विच इज, हाउ मैनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन द अबोव सीरीज विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो एक हो गया, दो हो गया, 1 2 3 सिर्फ तीन ही है, एक परफेक्ट स्क्वायर बोला ना, 1 2 3 सिर्फ तीन ही है। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड विच एलिमेंट इज एट्थ राइट ऑफ फोर्थ एलिमेंट, आठ और चार 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गया हमारा, यू आया है मेरा, तो एक सेकेंड, नंबर्स आर रिमूव्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12, यू ही आएगा इसका। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर बिटवीन द एलिमेंट विच इज़ 8 फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि स्टार, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो देख लेते हैं, 1 2 3 तीन ही है, 10% आर टू पैरेलल रोज 5 कंटेनिंग दिस, और ये जो है साउथ में देख रहा है, तो यानी कि ए बी सी डी ई ऊपर, पी क्यू आर एस टी नीचे, ठीक है, 4 5 2 3 4 5 हो गया। और क्या, डी इज़ ओनली नेबर ऑफ बी, डी जो कि ओनली नेबर है बी का, यानी कि बी होगा हमारा एंड पर, डी ओनली नेबर होगा इसका, बी इधर डी इधर, और एस फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, सॉरी डी, एस डज नॉट सिट एंड, एस इधर आ जाएगा, एस इधर आ गया। और फिर क्या है, आर और सी इज डायगनली अपोजिट, तो सी इधर आएगा, आर इधर, सी इधर, आर इधर, काफ़ी दिनों के बाद ये लाइन देखने को मिली है मुझे डायगनली वाली। क्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी हो गया, और पी इज़ नॉट ए नेबर ऑफ आर, पी नेबर ऑफ आर नहीं है, पी क्यू आर एस टी हो गया इधर, ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, सॉरी ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये बन गया हमारा। हाउ मेनी पर्सन सिट ई एंड द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड टू द राइट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, फर्स्ट सेकेंड, ये तो एक हो गया, दो आइदर वन और थ्री, थ्री कैसे हो सकता है, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, वन सेकेंड, दो ही होने चाहिए ना फिर तो, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, फर्स्ट और सेकेंड दो ही होंगे, वन और थ्री कैसे होगा, और सी क्यू, सी क्यू बी, यानी कि क्यू वाला ही गलत मिलेगा। फिर क्या है, ऑन द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस पी, फेसेस पी सेकेंड टू द राइट हो गया ई। कितने क्वेश्चन रहते हैं कि पी और ई इंटरचेंज द पोजीशन, देन हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी और ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ
P12। 9-1 यार, कैसे मेरा गलत बन गया क्या? ये मेरी तो गलत नहीं बनी कहीं पे। डी इज़ द ओनली नेबर ऑफ पी। इधर क्या बोला है? साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। साउथ साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये भी ठीक है। डी इज़ द ओनली नेबर ऑफ बी। डी इज़ द ओनली नेबर ऑफ बी सही है। एस फेसिस द वन हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एस फेसिस द वन हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एस इज नॉट एक्सट्रीम एंड बोथ आर और सी आर डायगनली अपोजिट। ये भी ठीक है। क्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट ऑफ पी। पी बट क्यू इज़ नॉट नेबर ऑफ आर। ओके, क्यू नेबर ऑफ आर नहीं आएगा तो PQRST इधर आएगा और E और A ये अपना सही होगा। वही मैं सोचूं यार, कुछ तो गलत मैंने कर दिया। हाउ मेनी पर्सन सिट एस एंड द वन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एस एंड सेकेंड नन। ओ CQ B और P एक साथ आएंगे, R गलत आएगा। ऑन द फॉलोइंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस पी। हु फेसेस ये है हमारा आर। सेकेंड टू द राइट 1 2 E आएगा, ये सही है एकदम। पी और ई अगर चेंज कर दिए जाते हैं तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी। ऑन द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऑन द फॉलोइंग पर्सन फेसेस द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। क्यू यानी कि सी आएगा। ऑन द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। क्यू यानी कि सी आएगा, सही है। और इसका अगर देखते हैं हम 8 6 3 9 7 2 6 5 0 1 वन और सेकेंड, और वैसे ही पोजिशन सेकेंड और थर्ड, तो इस तरीके से चेंज करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ मैंने तो इसको करते हैं मार्क अभी, और ये करते हैं अभी। तो इसमें जनरल मैनेजर और ये आएगा पहले, तो GM DGM AGM मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर SO कैशियर और क्लर्क। ओके एंड द सीनियरिटी ठीक है। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू N। फिर क्या है? वन डेजिग्नेशन एस और एन। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एस इज सेम एज अ जूनियर टी। तीन हो गए, तीन हो गए, टी इधर आ जाएगा। और आर इज जूनियर टू AM, ठीक है। एंड जस्ट सीनियर टू पी। जस्ट सीनियर टू पी हो गया। पी यू इज़ नॉट द कैशियर, तो ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। पी हु इज़ नॉट द कैशियर। क्यू इज़ जस्ट सीनियर टू ओ। क्यू इज़ जस्ट सीनियर टू ओ हो गया, बचा हुआ देख लेंगे। हाउ मेनी डेजिग्नेशन गैप बिटवीन एन और पी? 1 2 3 4। एज मैनी एन और एम और क्यू। एम आएगा इधर, 1 2 3 4 सही है। और हूँ डी जी एम कौन है? ओ है। फिर है टी और एम, एक का गैप है। एस और आर में भी एक का गैप है। ओ और आर ये हमारा गलत आएगा। एन क्यू पी और एम जस्ट सीनियर टू द मैनेजर। एन एन आएगा ना, सॉरी जस्ट जूनियर बोला, जूनियर टू एम है तो एस। द फॉलोइंग इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू एस ओ। 1 2 3 एन, ठीक है। और ये क्या है? फोल्ड द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू आर एस टी यू, ये हो गया।
देन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द थर्ड फोन, तो ई हो गया 5, I 9 एंड 14, 15 Q 16 एस हो गया 19, 20 U 21 हाउ मैनी पेयर्स ही बताने बोथ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बनेगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा वो 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21 1, 2, 3, 3, 3, 6 बनने भाई मेरे तो हाउ मैनी पेयर्स आर थर्स फोन 3, 3, 6 14, 15, 16 6 तो ऑप्शन भी नहीं है यार ये तो गलत बात हो गई पता नहीं क्यों इन लोगों ने दिया ही नहीं चलो कोई बात नहीं अभी बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम तो यहाँ से हुआ है इंटू 5 + 1 इंटू 3 करते हैं क्या सॉरी इंटू 3 + 1 इधर है ना और इधर इंटू 3 48 प्लस में 9 हुआ है फिर इंटू 3 अगर करेंगे 3 से तो काम नहीं चलेगा 3.5 करना पड़ेगा आई थिंक इधर 48 और फिर 8 कितना 8 × 16 3.5 + 1 हुआ इंटू 4 + 1 7, 57 5 × 28 2, 5 × 21 21 22 57 × 7 = 28 2, 5 × 20 = 21 +12 हुआ अभी इधर भी तो देखे 16 × 3 = 48 16 × 8 = 16 5 + 1 हुआ इंटू 3 + 1 × 4 + 1 ही तो होना चाहिए ना 7 × 28 लेकिन हुआ नहीं और इधर 740 अगर 5 देखें 0, 8, 5, 40 20 और 5 × 10 = 11, 12 प्लस इंटू 5 + 12 पता नहीं हो क्या रहा है इधर 2, 3, 4 नहीं समझ में आ रहा भाई ठीक है इंटू 2 × 3 × 4 × 5 फिर इंटू 6 करेंगे 6 × 24 2, 6 × 12 = 14 यहाँ से प्लस 4 माइनस का 6, 7, 8 और एक 9 फिर प्लस 16 − 25 प्लस 36 करेंगे 25, 6, 5, 11, 61 प्लस में 6, 7, 8 + 8, 9, 10, 11, 12 फिर प्लस 16 फिर प्लस 20 प्लस 24 करेंगे तो 94 आएगा इंटू में 0.5 + 1 × 0.5 + 1 तो इंटू 0.5 इधर करेंगे तो 4.5 तो ये हो गया 25, 5, 5, 7, 5, 7, 5 ठीक है सी पी ए है एस पी ए है प्रॉफिट और लॉस ठीक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रियल मी आई थिंक इसका मुझे पूरा वही बनाना पड़ेगा तो इसको बाद में देखते हैं पहले ये कर लेते हैं तो एक्स बाय फाइव इक्वल्स टू इसको करते हैं 8, 8, 3, 24 ये हो गया 50% 103 करेंगे 343 क्यूब है तो 7 × 7, 5, 35 नेक्स्ट जो है 12 × 4 आ गया 230 करेंगे तो 115 आ गया पौन में 2 और इक्वल्स टू 115 इंटू
225 20, तो 115 से 115 आ गया, ये आ गया 10, एक जीरो ये कट जाएगी, यहाँ पे आएगा 2, तो 2 ही आंसर आएगा इसका। सेकंड है 5 चौके 20, 2 5 से 15 16, 17, 17 यहाँ पर आएगा 78, 187 और डिवाइड बाय 221 इंटू 3 आ गया 7 7 4 0 40, तो 147। यहाँ पर है 85 होता है 17/20 इंटू 8/17, 9/13 इंटू 9100, 7 से ये क्या 2, इधर आया 5, इधर 13 और 13 7 91 700, इसको करेंगे 7 2 14 104, 14 2 28 और 800। और वहाँ पर है तो भाई कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, 28 हो गया 9 और आएगा 0 9 72, तो 7 9 18 25, तो ये आ गया, इसमें से 800 जाएगा 0 2 17 1720। 29x-800 इक्वल्स टू 100 से कट जाएगा, 25 दुनी 50, 5 8 और 5 8 हो जाएगा और 29 ये जाएगा, 200 आ जाएगा इसका। और फिर है 3 7 4 इंटू 15, 15 चौके 60, 0 6 6 15 7 105, 7 111 और 15 3 45, 5 और 1 6 4 1 5, 15 2 30 35, तो एक तो आ गया ये हमारे पास पौन में ही हो गया, और 8 3 24, 2 और 7 8 56 57 58, 5 8 और 5 आ गया 13, यहाँ से 11 में से जाएगा 7 और 15 5 6 7, इधर बच गया 1 2 2 1 7 7 प्लस 3 4 00 अपॉन x इक्वल्स टू 5 5 7 7, 2 1 7 7 में से जाएगा 0 0 4 3, तो 1 इसका आंसर आएगा। 25 चौके 100 100 का 0 10, 25 5 125, तो 135 13, 25 3 75, 5 3 8 और यहाँ भी 8, फिर है प्लस 2 7 9 5 डिवाइड बाय 8, 38 का होता है 1 4 4 4, 8 8 5, 14 में से ये आ गया 9, 13 3 2 5 और यहाँ पर कितना आया 3 2 5 इधर, और 9 5 पे जाना चाहिए, 5 आएगा इसका। एक्स अपॉन 35 इंटू 14, 7 2 ठीक है, 2 और 5 आ गया प्लस में 112 इक्वल्स टू 340, तो ये और 25 दूनी 50, 500 और यहाँ से 200 सीए जाएगा, तो 40 50 60 560 आएगा, 112 और जाएगा तो 8, 5 में से गया 4, यहाँ पे आएगा 3, 2 में 5 2 17 4, 5 चौके 20, 2 17 5 5 6 87, फिर से गड़बड़ कर दी क्या, 280 112, 2 9 और 3 हो गया 340, 2 0 कट जाएंगी, 25 यानी 50, 500, 0 4 8, 3 9 2 8 3 4, 7 में से 4 आ गया, डिवाइड बाय 14 इंटू 5 इंटू 7, 7 गया 2 पर, यहाँ से 2 2 4, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 11 12, 1 5 दूनी 10, 1120। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है यार ये वाला पेपर। 17 5 105 प्लस ये आएगा 9, तो 3 आएगा, 14 3 42, 7 4 147, 17 माइनस करेंगे तो 130, 18 5 115 8 120 हो गया, और माइनस 80 करेंगे तो बचेगा 40, और 15 चौके 60 6 15 1 15 21, ये बन गया 250, 240 में से जाएगा 10, 21 97 होता है 13 का,
पोन में 13, ये तो 1 14 आ गया, 14 उस तरफ जाके कितना बनेगा, 17, 16 और 1 17, हाँ 52 26, 6 2 12, 1 6 30 और 1 31, 2 2 4, 5 3, 5 2 10, 3 13, और यहाँ पर 2 1 4, 6 6, 5 1, 5 8 6 6 से जाएगा तो 0 0 3 4 एंड इक्वल्स टू 3 8 4 00 डिवाइड बाई एक्स, ये बनेगा इसका। और ये कितने पर जाना चाहिए, 8 3 24, 2 8 8 32, 33 34, यहाँ पे है 3 एंड 4, 43 7 है ना ये, तो 9 पर जाएगा सीधा सा। अब ये देख लेते हैं, तो फर्स्ट है वीवो, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग और एलजी। सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस, ठीक है इतने का प्रॉफिट हुआ है तो देख लेते हैं। अभी सीपी इसकी है 15,000, 6,500, 25,000, 10,000। वट इज़ द डिफरेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ द रियल मी मोबाइल, रियल मी का सीपी और इस पर प्रॉफिट हुआ है तो 1/2 प्लस 1/8, 4 सेकेंड 4, 5/8, तो 8 5 हो गया 13, 13 की वैल्यू है ये, 13 5 0, 5 आ गई 1 की वैल्यू, तो 8 × 8 = 40, 4,000 हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ रियल मी एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सैमसंग, सैमसंग का 12 500 हो जाएगा, इनका डिफरेंस बताना है 8,500। रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ओप्पो मोबाइल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वीवो, एसपी ऑफ ओप्पो और वीवो का हमें बताना है, इन दोनों का प्रॉफिट इस पर हुआ है 20 15 20 30, 30 का मतलब 18,000 हो गया ये, और इस पर जो हुआ है हमारा लॉस हुआ है ओप्पो पर, तो ओप्पो पर 25,000 का 30% कितना होता है, 0 0 25 75, तो 17,500 हो जाएगा ये। सेलिंग प्राइस ही निकालने दोनों की, ओप्पो की कितनी होगी 18 175, 18 36, 3 5 36 और 35 36 35 आएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ एलजी मोबाइल, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एलजी इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वीवो, वीवो का कॉस्ट प्राइस है 15 15 × 5 = 3 3 3 9,000 हो गया मान लेते हैं इसका, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें इसकी बताने, 5% का लॉस हुआ, 9 5 = 45 45 गया तो 8,550 आएगा इसका। वट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ वीवो ओप्पो एंड सैमसंग, तो इनका बताना है, यहाँ से हो गया 30 40 48 48 का 3 16। सेलिंग प्राइस ऑफ ओप्पो मोबाइल इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर, सेलिंग प्राइस ऑफ ओप्पो हाउ मच परसेंटेज मोर कॉस्ट प्राइस ऑफ रियल मी, कितना ज़्यादा होगा, 13 500 3, तो यहाँ से ये 2 गया, ये भी चला जाएगा 5, तो ठीक है 5 5 25, 2 13 5 65 67, 3 3 7.5, ये हो गया। देन अभी देखते हैं ये वाला, 6 स्टूडेंट है, ABCDEF और पार्टिसिपेट करते हैं टेस्ट में, जिनके पास टेस्ट जो है 200 मार्क्स का, CDE और फिर F, ठीक है। C स्कोर 50% मार्क्स विच इज़ 25%, C जो स्कोर करता है 50% मार्क्स यानी कि 100, तो 100 की वैल्यू जो है 125 है, तो 100 की निकाल लेते हैं, 4 आ गया 5, 5 आ गया 2 0, यानी कि 80 जो होगी E की, ठीक है। और क्या है, रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय A और B
रेशियो द मार्क्स ऑब्टेंड ए बी और एफ, ए का 12 बी और फिर एफ, यू का डी स्कोर 20, डी स्कोर इसका मैंने निकाला था 4/8, 1/2 प्लस 1/8, हाँ 4/5/8 है ना, इतना मोर है 8 × 5 = 13/8, किससे, ई से, ई का हमारा 80 तो 13 है तो 130 हो जाएगा डी का। और क्या बोला है, ई और बी का स्कोर है जो सेम है, ई और बी का इनकी 80, 120, 90 हो गया हमारे पास। हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स अमंग सिक्स, हाईएस्ट जो है डी के पास है, द पासिंग मार्क्स इज 40%, तो यानी कि 80% 80 मार्क्स हो गए पासिंग से, देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इज व्हाट परसेंट मोर देन द पासिंग, तो डी के जो है 50 ज़्यादा है 80 से, अपॉन में 4 और यहाँ पर आ गया 5, 25, 125 अपॉन 4 62.5, ठीक है। रेशियो द मार्क्स ऑब्टेंड बी डी और एफ 8, 13 और 9, 8, 13, 9, 8, 13, 9 ये रहा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन ए बी सी इज इतना, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच, तो ए बी और सी 60, 70 और 90, 15%, चलो एक और ले लेते हैं, 15 × 90 690 हो गया, 20 अगर इसका 7 × 2 = 14 840 हो गया, 30% 27, तो ये कितना हो जाएगा 2700 07, 11 ये हो जाएगा इसका, तो यहाँ से जो बनेगा हमारे पास 69, 84, 117 आएगा 23, 27 और 28, यहाँ पे आया 3 और 9, 23, 28 और 39, ठीक है। ए कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 1/3, इफ द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 40, एक सेकंड, इन विच वाटर इज 1/3 ऑफ द मिल्क, मिल्क अगर 3 है तो वाटर है उसका 1/3, ठीक है ये होगा इसका रेशियो, यानी कि 30 और 10। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज हाफ ऑफ द कंटेनर रिप्लेस्ड विद द 15 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि अब जो रह गया इसमें 15 और 10 रह गया, 15 और 10 का मतलब 25 और 15 रह गया, देन द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन्स 25 आ गया, फोर्टी था तो हाफ अगर करेंगे 15 और 10 था तो इधर 5 रह जाएगा है ना, और इसमें हमने 15 ऐड कर दिया तो 20 बनेगा, सॉरी, ठीक है। शिवम एक्सपेंसेस इज 5/4 देन द धर्मा, एंड द धर्मा एक्सपेंसेस इज 400 जो है 85 की वैल्यू है, या फिर हम एक काम करते हैं, धर्मा की जो है 15 × 3/20 यानी कि 17 है, 15 less than हरीश, ठीक है, तो ये हम 17 × 68, 17 × 5 = 85, तो यहाँ से 4 से हम करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। द टोट सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस 8 × 5 = 13, 1 × 2 = 24 और 1 = 23, 4660, तो 1 की वैल्यू होगी 20। शिवम का हमें बताना है 85 है तो 0, 5 × 10 = 16, 1 = 17। सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 48, द रेशियो ऑफ द ए एंड बी 15 years ago, तो 2:1 था तो 15 × 30, 30 अगर कम करते हैं तो 18, 18 × 3 = 6, 2 = 12 और यहाँ पे आएगा 6, द एज ऑफ द 15 साल और ऐड कर देते हैं 27 और 21, आफ्टर 9 years तो 30 हो जाएगा और 36, ये इनका रेशियो में बताना है 6, 5 और 6, 6 और 5। लेंथ ऑफ द
लेंथ ऑफ द फर्स्ट टेन इज रनिंग इतना एंड क्रॉस द सेकेंड एक्स जो कि 45 और यहाँ से 5/18 यहाँ से आएगा 6 15 15 15 8 120 115 7 105 हो गया और फिर तो भाई कटेगा तो नहीं फिर ये पाँच आ गया दो तीन आ गया छः एक छः सात आठ और एक नौ तो यहाँ से आएगा पाँच 24 आ गया आठ सात फिर आगे अगर हम देखें अप्रोक्सीमेट तो बता सकते हैं हम लेकिन एग्जैक्टली कैसे बताएं 72 है पाँच है पाँच हो जाए 18 ठीक है इससे अच्छा तो कोई और ही क्वेश्चन में कर लेता तो वो ज़्यादा बेटर था क्वेश्चन काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए हैं यार 8 और 4 12 और यहाँ से 3 और 3 6 62 ही अटेम्प्ट हुए चलो अभी ये देखते हैं एक तो ये करना हमें इसको देख लेंगे बाद में तो जस्ट का पहले देखते हैं ही वो स्टोकिंग गिबरिश अबाउट थिंग्स एंड वुड वुड वॉक फॉर फॉर मैटर टू हिमसेल्फ ऑल द टाइम एंड वुड वॉक वॉक ऑफ वॉक फॉर मैटर बाय हिमसेल्फ मैटर बाय हिमसेल्फ ऑल द टाइम स्टोमक और एसिड असिस्ट टू डाइजेस्ट या फिर क्या है असिस्ट विद हेल्पिंग द फूड During his inaugural speech last week, the new president discussed his goals and plans for the nation. During his inaugural speech last week, the new president, during his inaugural speech, the new president will discuss him. Discussed his goal and plans for the nation. Unable to secure enough vote to win in his district, the politician decided to not participate. The politician decided to not participate in election any further. Not participate in the in elections any further. Not participate in any further. Okay, since there was no way to modify the documents, the paralegal had to complete retype. The paralegal, since there was no way to modify the had to completely retype it. The paralegal has to completely type it.
ए और बी में से ही आएगा, ये मेरा गलत भी हो सकता है, बाकी ये देखते हैं। बिकॉज बिकॉज देयर हैव बीन फ्यू क्लिनिकल ट्रायल ऑन द न्यू ट्रीटमेंट, देयर हैव बीन अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑन द न्यू ट्री अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल ऑन द न्यू ट्रीटमेंट फ्यू द प्रोसीजर इज रिस्की, प्रोसीजर इज रिस्की, रिस्की तो एकदम सही लग रहा है मुझे। बाकी ए बी और सी देखते हैं। बिकॉज देयर वॉज देयर हैव बीन फ्यू क्लिनिकल ए भी अपनी जगह सही है, ए तो चेंज होगा नहीं। देयर हैव बीन फ्यू क्लिनिकल न्यू ट्रीटमेंट अंडरगोइंग न्यू ट्रीटमेंट डगन द प्रोसीजर इज रिस्की। देयर बिकॉज देयर हैव बीन रिस्की क्लिनिकल ट्रायल ऑन द न्यू प्रोसीजर टू डिसमिस आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी फ्रॉम हिज फैन द एक्टर ऑफन पब्लिक बी और डी ए ओ सी टू वियर हिज कंसेंट फ्रॉम हिज फैन द एक्टर ऑफन एक्टर ऑफन द स्टूडेंट्स वर बाय द एंड ऑफ द लीग। डी एकदम सही है इधर, यानी कि इन दोनों में से कोई आएगा। द फ्रस्ट्रेटेड वर नहीं, द स्टूडेंट वर फ्रस्ट्रेटेड व्हेन स्टूडेंट वर फ्रस्ट्रेटेड व्हेन द बेसबॉल टीम वोन अ मियर टू गेम्स बाय द एंड ऑफ द लीग। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियस नहीं, बिकॉज ऑफ हिज नेचर नेचर ए ओ डी बिकॉज ऑफ हिज नेचर क्यूर नेचर्स क्यूरियस द स्टूडेंट लर्न लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एट द लाइब्रेरी। ईच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश इन इट्स ओन फंड फॉर मैनेजिंग रिसीविंग ईच एजेंसी इज गिविंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड फिगर आउट अ वे टू कंटिन्यू ऑपरेशन। Litigious by nature, everyone dash the boy would one day becomes a prominent attorney. Assume the boy would one day become a dash. The feudal king held grand feast at his home. And Dash wanted to dine at his table. Carelessness during Diwali celebration can prompted by your own safety exhibit to endanger your own safety.
When God created this planet, he had a purpose for all living things. He had a specific purpose. ठीक है, एरर को एक बार मैं स्किप करूँगा. और क्या है क्वेश्चन, ये रहा. नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ गिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड चेंज. इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्व फ्रॉम अर्लियर टाइम. द वेरिएशन मीन्स दैट सम इंडिविजुअल हैबिटेट्स बेटर सूटेड to the environment than other. According to the scientist Charles Darwin, evolution depends on a process of natural selection. Natural selection is a process of evolution is the process. बी डी. और इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर नेचुरली वेरिएबल, मीनिंग दैट दे आर ऑल डिफरेंट इन सम वेज. नेचुरल सिलेक्शन BDA. द वेरिएशन मीन्स दैट सम इंडिविजुअल हैबिटेट्स बेटर देन द अदर्स. इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन दिस वेरिएशन. This variation. According to the scientist Charles Darwin, evolution depends on a process called natural selection. नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस विच. ये तो एकदम सही है. दिस इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन आर नेचुरली वेरिएबल, मीन्स दैट दे आर ऑल डिफरेंट इन सम वेज. दिस वेरिएशन ये, और फिर सी ये बनना चाहिए. सेकेंड डी गलत ना हो बस. ये लास्ट सी. थर्ड हो गया ए. फर्स्ट बी. फोर्थ हमारा ई. ठीक है, फिर अभी ये देख लेते हैं हम. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर डेनिश सोसाइटी. हाउ हैज टूरिज्म इन डेनमार्क चेंज इन रिसेंट ईयर. ठीक है, विच इज़ अ ट्रू हमें बताना. इसमें से वट शुड बी द की प्रायोरिटी फॉर डेनमार्क टू रिवैम्प इट्स टूरिज्म इन. मोस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ टूरिज्म एक्सपीरियंस इकोनॉमी हैज़ ए कोहेसिव इफेक्ट ऑन डेनिश सोसाइटी. ऑलमोस्ट ऑल जॉब क्रिएटेड एज ए रिजल्ट टू टूरिज्म ऑफ टूरिज्म आर द service sector and are distributed across all parts of the country. One of the characteristics of tourism generated employment is that it also creates jobs for people with short cycle education and for a great many non-ethnic Danes. Service based job in tourism industry are scattered all around us. It is efficient for the Denmark. Tourism has created channels for growth and welfare at every level of Danish society. In relation to its neighboring countries, Denmark has a relatively large tourism industry. However, growth in Danish tourism has stagnated in just recent year. Efficient driver growth in.
हाउ हैज डेवलप चेंजेस सेंट हियर। और ये था हमारा जस्ट का, जस्ट सपोजली इनहेरिटली एब्सोल्यूटली मेयरली कंसिडरेबली इनप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, इफ डेनमार्क मोस्ट सिमिलर द स्पोर्टिंग नोटिसिंग मोस्ट सिमिलर बताना एक्सपेक्टेड नहीं। ठीक है, और हाउ हैज टूरिज्म डेनमार्क चेंज इन द रिसेंट। और हमें क्या बताना था, डेनमार्क रिवैम्प इट्स हिस्ट्री। In Denmark is to gain a large share of growth in the city business and tourism and reverse the trend in coastal. It has been a decline in एक सेकेंड हाउ एवर द नेगेटिव ट्रेंड स्पेंस ड्यूल रियलिटी व्हेन डेनमार्क हैज अचीव्ड ग्रोथ इन सिटी एंड बिजनेस टूरिज्म। इट हैज सफर्ड ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन, ठीक है, एंड डिक्लाइन ड्यू टू डिक्लाइन इन बिजनेस टूरिज्म। नहीं, सिटी एंड बिजनेस टूरिज्म राइज ड्यू टू ग्रोथ इज डिक्लाइन व्हेन व्हाइल सिटी एंड बिजनेस इज ग्रू। और क्या देखना है हमें, फॉल्स वाला। और व्हाट शुड बी द की प्रायोरिटीज फॉर डेनमार्क टू रिवैम्प इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री। डेनमार्क इज टू गेन अ लार्ज नंबर रिवर्स द ट्रेंड इन कोस्टल। देयर इज अ नीड टू सेट अप इट्स टूरिज्म टूरिज्म प्रमोशन एफर्ट। द प्राइस ऑफ द टूरिज्म सर्विस इज अ की कॉम्पिटिटिव पैरामीटर ग्लोबली बट सिंस Denmark is neither willing or able to compete on wages or other condition of employment with countries such as Bulgaria and Thailand. Its competitiveness in the such as Russia and China are increasing from one on the other and the immediate potential and growth within city tourism and business tourism must be examined on the other hand need to address position of strength and intrinsic product related challenges prevailing with the coast area network, including not least sizable German and the growth team for tourism experience economy has dashed the creation of a strong organization and concrete concerted nationwide strategy. It has finished the creation.
grow team for tourism experience. Economy has recommended. ठीक है, मैं ऑल आर इन करेक्ट. सो द वन आउट ऑफ फोर मे और मे नॉट बी मे और मे नॉट बी ऑल आर करेक्ट. इन करेक्ट. ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स मेंटेनेंस इफ नेग्लेक्टेड. पोज वी हैव ए डीप कनेक्शन टू म्यूजिक कोर्स. पीपल हु वर्क इरेगुलर शेड्यूल मे फाइंड गेटिंग क्वालिटी स्लीप हार्ट पम्प्स ब्लड. काफी ज्यादा कम अटेम्प्ट हुए इसमें तो. एंड जो स्कोर मेरा बना है, स्कोर तो भाई काफी खराब ही गया. 74.25 मेरा स्कोर है. सेक्शन वाइज मैं दिखा देता हूँ. रीजनिंग में 31.5. दो मेरे गलतों के पता नहीं कहाँ हुए हैं. क्वांट में एक गलत हो गया, 26.75 है. इंग्लिश में मेरे 16 स्कोर हैं, 4 गलत हैं. तो इनका स्कोर एक बार हम चेक, स्कोर तो हमने देख लिया है, एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ हुई है. एंड यार रिजल्ट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जितना मेरा स्कोर आया है, क्योंकि क्योंकि परसेंटाइल है 93. अभी इसके एक बार सॉल्यूशन हम चेक कर लेते हैं. तो भाई गलत जो हुआ है ना, फालतू के गलत किए मैंने शायद से. एक तो ये मैंने गलत कर दिया, एग्जैक्टली बिटवीन द 14 फ्रॉम द लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 एट ही हो गया. तो 1 2 एंड 3 वहाँ से एंड आना था. 1 2 3 डॉलर आना था भाई इसका. शिट, ठीक है. तो एक तो वो गलत हो गया था मेरा. दूसरा वाला ये कौन सा 10% रो वाला है, तो आई थिंक यही था ना. तो इसमें क्या पूछा था इनने, तो सी सी था, क्यू था हमारा, बी और पी था. एक सेकेंड, अच्छा ये आर था यार, पी गलत आना था. ये मैंने पी समझ लिया और आर को मार्क कर दिया. ठीक है, ये फालतू की गलतियां मैंने की हैं, वरना मेरे देखते हैं आगे इसमें भी. तो इसमें मैंने क्या मिस्टेक कर दी, ओके रिवर्स कर दिया इसमें भी इसका मैंने. तो ये दो गलतियां तो फालतू की हुई हैं, जिस वजह से मेरा जो स्कोर था वो बूस्ट हो सकता था. कितना, यहाँ पर इसमें हम 78 तक मेरा स्कोर जा सकता था इजीली, अगर ये गलत नहीं हुए होते. और क्या गलत हुआ है भाई, आरसी में एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ. तो कौन सा था ये वाला मैं कर रहा था ना, ऑल ऑफ दीज. हाँ ये मुझे लग रहा था कि ऑल ऑफ दीज ही आएगा इसका. एंड एक ये देख लेते हैं, इसका रिकमेंडेड ही मैं कर रहा था. शिट, ये भी मैंने कर देना चाहिए था. एक इसका ना था वॉक ऑफ म्यूटरिंग टू हिमसेल्फ. ठीक है, सेकंड जो मेरा गलत हुआ, एक यही गलत हुआ है, द पैरालिकल हैड टू कम्प्लीटली रीटाइप इट. हैड टू कम्प्लीटली रीटाइप इट. ओके सो इसमें वाओ ये भी गलत हो गए क्या, बाकी तो मेरे सही है फिर. तो इसमें जो गलत हुआ है, बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियस नेचर द स्टूडेंट लर्न लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एट द लाइब्रेरी. ठीक है, सेकंड जो गलत हुआ है, ईच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इट इन इट्स ओन फंड. ठीक है, और ये मेरा पैरा जंबल एकदम सही था. तो अगर किसी को नहीं पता है तो आप देख लीजिए, बी डी ए ई और सी ये बनेगा इसका. सो गाइस ये था हमारा मॉक टेस्ट. ओके, और आप लोग का बताना क्या स्कोर है इस मॉक टेस्ट में. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.